हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो मनोज देव भाई का ऊपर है, जिनका जो है यूट्यूब पे टेक का चैनल है और उनके करीब 850 के सब्सक्राइबर अभी लगभग हो चुके हैं। तो भाई, ये वीडियो में मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले जो कोल्ड माइंड टेक चैनल उनके पुराने फ्रेंड है, जिनका करीब अभी 200 के होने वाला है उनके यूट्यूब चैनल पे, जिनका नाम है कोल्ड माइंड टेक यूट्यूब चैनल, जिनके ऑनर है नवी चेतक। तो कुछ समय पहले क्या हुआ था, जो नवीज भाई है उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लगभग 1 महीने पहले की बात है। तो उन समय से क्या हुआ, उनका जो पूरा फोकस था वो यूट्यूब छोड़ के उनके परिवार के ऊपर चला गया। तो इस वजह से उनका चैनल का जो ऑडियो रिटेंशन था वो कम हो गया था। उससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, वो जो है अपने पबजी में ज़्यादा ही मगन हो गए थे, जिनकी वजह से उनका जो यूट्यूब चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो नहीं कर पा रहा था और बहुत ही ऑडियो रिटेंशन वो खो बैठे थे, क्योंकि उनके चैनल पे वीडियो तो डलते थे लेकिन बहुत लेट से डलते थे, आई मीन 2-3 दिन पे, जिसके वजह से जो उनका वीडियो है वो थोड़ा डाउन हो गया और बीच में पबजी खेलने पे इतना फोकस हो गया कि उनका यूट्यूब चैनल भी थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो डाली थी, ये है उसका स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में उन्होंने ये बोला था कि जब उन्होंने यूट्यूब पे अपना एक वीडियो डाला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ ऐसा ही वीडियो डाला था उन्होंने। तो उसके बाद बहुत सारे जो कमेंट में आए थे, लोग जो कमेंट किए थे उनमें किए थे कि मनोज देव धोखेबाज है, मनोज देव धोखेबाज है। तो भाई, फिर एक वीडियो में वो आकर हम सभी को बताए कि नहीं, ऐसा नहीं है, मनोज देव भी धोखेबाज नहीं है, वो अभी अपने चैनल पे है, वो अभी अपने रास्ते पे है और मुझे अपने रास्ते पे जाना है। भाई, ऐसा कोई भी नहीं है कि अगर कोई बंदा का कोई फ्रेंड है तो उसे छोड़ देता है। हाँ, अभी पता है कोल्ड माइंड टेक का बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, उस चैनल का बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोज देव भाई ने उसे छोड़ दिया। आज एक वीडियो आया जिसमें मनोज देव भाई ने पूरे कंफर्म उन्हें सपोर्ट करते हुए अपने चैनल पे उनके उनके लिए एक वीडियो बनाया, पर्सनल वीडियो बनाया सिर्फ उनके लिए, कूल माइंड टेक के लिए, जो कि उन वीडियो में उन्होंने बताया कि उनका चैनल कैसे घटा, कैसे बढ़ा, क्या हुआ, क्या परेशानी हुई कि उनका चैनल में बहुत ही गिरावट आई। फिर इसको लेते हुए मनोज देव भाई ने यहाँ तक कि ये तक बोल दिया कि भाई प्लीज इनके चैनल को विजिट करो, वीडियो देखो और सब्सक्राइब करो। भाई, ऐसी मदद अगर कोई भी फ्रेंड करता है तो वो धोखेबाज नहीं होता। मैं उन लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मुश्किल समय सबके पास आती है। ये पता है कि जब मनोज देव भाई के 70 के सब्सक्राइबर थे तब कूलमैन टेक के करीब 90 के थे, उनका 100 के होने वाला था, लेकिन बीच में ऐसा बहुत कुछ हुआ कूलमैन टेक के साथ, चैनल के साथ, जिसके वजह से उनका जो चैनल है उनका ऑडियो रिटेंशन जो है घटते गया और मनोज देव भाई का ऑडियो रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते गया, जिसके वजह से है इनका चैनल जो है एक जगह पे ही रुक गया और मनोज देव का चैनल बहुत ही ऊपर बढ़ गया, जहां अभी उनका 900 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, यहीं इनका 200 के सब्सक्राइबर होने वाला है, जबकि एक साल पीछे की बात है, एक पिछले साल ही करीब इनके 70 के थे मनोज देव भाई के और कूल माइंड टेक यूट्यूब चैनल पे करीब 100 के सब्सक्राइबर थे। तो भाई, ये कैसे हो गया था, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि कूल माइंड टेक भाई के पास बहुत ही जो हाउस प्रॉब्लम होते हैं, जो घर की बातें होती है, घर पे जो प्रॉब्लम होती है उनमें वो बहुत ज़्यादा बिजी रह गया, जिनके वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है मनोज देव भाई ने उनके सपोर्ट में एक वीडियो बनाई जिससे बहुत से यूट्यूबर, बहुत से जो उनके फैंस थे उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई उनके पुराने फ्रेंड थे उनको बहुत मदद की थी। आप मनोज देव भाई के अगर चैनल पे जाते हो तो एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही पुराना वीडियो है, करीब 2018 के लास्ट का आई थिंक वीडियो है, जहां मनोज देव भाई ने इनके साथ कोलेब्रेशन की है, कूल टेक यूट्यूब चैनल के साथ कोलेब्रेशन की है। तो वो करीब शायद जब मनोज देव भाई के 60 या 50 के सब्सक्राइबर थे तब का ही वीडियो था, समझ लो इन दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है। तो भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि मनोज देव भाई जो है इनके सपोर्ट में आए हैं, तो ऐसा ही करना चाहिए। और एक और बात है, मनोज देव भाई अब धोखेबाज नहीं है भाई, हाँ थोड़ी लेट से आए लेकिन सपोर्ट में तो आए, क्योंकि इस दौर पे अभी उनको बहुत कम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई बड़ा यूट्यूब चैनल उनको सपोर्ट करता है तो भाई मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मुझे तो, मैं भी मनोज देव का बहुत बड़ा फैन हूँ, साथ में कूल टेक यूट्यूब चैनल जो है उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, चेतक नवी भाई का। तो भाई, ये बात बहुत अच्छी हो गई कि उनके सपोर्ट में वो वीडियो लाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि यहाँ पर जो बात उठती है कि मनोज देव भाई धोखेबाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट गए थे कूल्ड माइंड यूट्यूब चैनल के, जो कमेंट गए थे उस चैनल के उस वीडियो में, तो
उस वीडियो में जो बोला गया था कि मनोज देव धोखेबाज है, धोखेबाज है भाई। अब तो सबको जवाब मिल गई होगी कि मनोज देव धोखेबाज नहीं है, एक सच्चे दोस्त हैं और दोनों दोस्त रहेंगे। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।